दिखने में खाजा जैसा लग रहा है, मगर टेस्ट में बिल्कुल शक्करपारे यानी कि शंकरपाली है, वो भी गेहूं के आटे से बनी है। मुंह में पानी आया ना। और यकीन मानिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है, एकदम खाने में खस्ता है। तो इस दिवाली कुछ नया ट्राई कीजिए और अपने परिवार और दोस्तों को खिलाए और सबसे तारीफ भी पाए। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नॉर्मली तो ये रेसिपी मैदे से बनती है, बट आज हम इसे गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 कप गेहूं के आटे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वज़न में देखा जाए तो टोटल ये 250 ग्राम आटा होगा और ये 2 कप। अब हम इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे। ऐसे तो हम मीठा बना रहे हैं, बट इसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो बैलेंस रहेगा। साथ ही में हम आधा छोटा चम्मच चीनी यानी कि शुगर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप तेल डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पिघले हुए घी का इस्तेमाल करें। तो इसे हम अच्छे से मसलते हुए मिलाएंगे। मैं आज मीठा बना रही हूँ, नॉर्मली ये नमकीन में भी बनता है। अगर आपको नमकीन ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे ना चीनी ना डालें और थोड़ा सा नमक ज़्यादा डालें। और साथ ही में इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए ना आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, और सेम रेसिपी को आप मैदे से भी बना सकते हैं। तो तेल जो है अच्छे से आटे में मिक्स हो गया है और आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का ये बाइंड हो रहा है। तो अब हमें बिल्कुल रोटी का जैसे आटा गूंदे ना उसी तरह का आटा गूंद के लेना है, बट इसके लिए जो हम आटा गूंदेंगे वो थोड़ा सख्त होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को अच्छे से गूंद के ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आटा जो है हमारा गूंद कर रेडी है, और इतना आटा गूंदने के लिए मुझे यहाँ पे टोटल 1 कप पानी लगा है। अब हम इसे कवर कर देंगे यानी कि ढक देंगे, और 15 से 20 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। जब तक आटा हमारा रेस्ट कर रहा है हम इसके लिए फटाफट चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। जिस कप से हमने आटा लिया था बिल्कुल उसी कप का हम नाप रखेंगे। अगर आप कोई बाउल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक ही बाउल का इस्तेमाल करें। तो उसी कप से मैं यहाँ पे 1 कप चीनी ले रही हूँ, और इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। 1 कप चीनी के लिए हमें आधा कप पानी इस्तेमाल करना है। तो गैस को ऑन कर देते हैं, इसे हल्का मिक्स कर लेते हैं और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। और इसकी हमें बिल्कुल एक तार वाली चाशनी बनानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आ गया है और चीनी भी मेल्ट हो गई है और हल्की गाढ़ी हो गई है। इसमें कुछ थोड़ा सा फ्लेवर ऐड कर लेते हैं। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर है। साथ ही में हम 10 से 12 केसर के धागे भी डालेंगे, और ये जो केसर के धागे हैं ये पूरी तरह से ऑप्शनल हैं। इसे मिला लेते हैं और फिर से 2 से 3 मिनट के लिए और इसे पका लेते हैं। 3 मिनट हो गए, चलिए चेक कर लेते हैं कि चाशनी एक तार वाली बनी है कि नहीं। तो हाथों को तो ये अच्छी खासी चिपचिपी लग रही है, और ये देखिए एक तार इसमें बन चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें चाशनी को नहीं पकाना है, वरना चाशनी जो है गाढ़ी होके जमने लगेगी। इसे हम साइड में रखते हैं और हल्का ठंडा होने देते हैं। साटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप मैदा लिया है। इस साटे से हमारा जो शक्करपारा है एकदम परत वाला बनेगा। इसमें हम 1/4 कप घी डालेंगे, मगर ध्यान रहे घी जो है यहाँ पे पिघला हुआ होना चाहिए मगर गर्म नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो इसे डालडे से भी बना सकते हैं, मगर आपको यहाँ पे भी मैदा नहीं डालना है तो आप यहाँ पे गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पेस्ट बन के रेडी है, यानी कि जो साटा है परफेक्टली बन चुका है और इसमें बिल्कुल भी कहीं भी गुठली नहीं है। देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर है इसका। और चलिए अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। तो आटे ने भी अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है, थोड़ा सा हल्का सा फिर से इसे गूंद लेते हैं और चिकना कर लेते हैं। आटे को जो है किचन सरफेस पे ले लेते हैं। मेक श्योर कि आपका जो किचन सरफेस है वो अच्छे से क्लीन रहे है। अब हम इस तरह से इसका लंबा रोल बनाएंगे और इसके सेम साइज के 5 लोई कट करके ले लेंगे। तो सारी लोइयों को मैं फिर से बाउल में रख रही हूँ, 1 लोई लूंगी और बाकी के लोइयों को मैं ढककर रखूंगी, जिससे कि आटा जो है वो ड्राई ना हो। हल्का सा सूखा आटे का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा सूखा आटा हमें नहीं लेना है। और जैसे बिल्कुल हम रोटी बेलते ना उसी तरह की हमें एकदम पतली रोटी बेलनी है।
आपकी रोटी जो है एकदम परफेक्ट गोली होनी ज़रूरी नहीं है, जैसी भी आप बेल सकते हो आप बेलें, बट इसका पतला होना ज़रूरी है। तो देखिए रोटी बेलकर बिल्कुल रेडी है। तो टोटल यहाँ पे मैंने 5 रोटियों को बेलकर रेडी कर लिया है। तो अब हम करेंगे कि एक रोटी लेंगे और इसके ऊपर साटे को जो है अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो इसे मैं ब्रश से लगा रही हूँ, आप चाहो तो हाथों से भी इसे स्प्रेड कर सकते हैं। इस साटे की पतली लेयर हमें पूरे रोटी पे लगानी है। अब हम दूसरी रोटी लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे। और अब हम बिल्कुल उसी तरह से इसके ऊपर भी पूरे साटे की एक लेयर लगा लेते हैं और इसी प्रोसेस को हमें लगातार करते रहना है। आपको इस तरह का साटा नहीं बनाना या फिर आप मैदा बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसका ऑप्शन ये है कि जहाँ पे मैंने साटे का इस्तेमाल किया ना वहाँ पे आप क्या करें, बिल्कुल इसी तरह से रोटियाँ बेलकर रेडी करें और उसके ऊपर से ना आप घी या फिर तेल को ना अच्छे से स्प्रेड करें। पतली सी लेयर तेल या घी की लगाएं, थोड़ा सा सूखा आटा है उसको भी अच्छे से स्प्रिंकल करें, फिर रोटी को रखें, फिर उसके ऊपर आप फिर से तेल, फिर सूखा आटा, फिर रोटी, इस तरह से आप लेयर बनाते जाएँ तो उससे भी काफ़ी अच्छे लेयर पड़ते हैं। इतनी लेयर्स एकदम आपके खुलेंगे नहीं बट लेयर जो है वो पड़ेंगे ज़रूर। तो अगर आपको बिल्कुल मैदा इस्तेमाल नहीं करना है और इस तरह का साटा इस्तेमाल नहीं करना है तो ये आपके लिए एक बहुत ही इजी ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैंने 5 रोटियों को एक के ऊपर एक लेयर वाइज लगा लिया है साटा लगाकर। लास्ट की जो रोटी है उसके ऊपर फिर से हम पूरा जो बचा हुआ है उसे भी लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जितना मैंने साटा बनाया था उतना सारा का सारा इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जितनी क्वांटिटी मैंने बोली है आप उसी क्वांटिटी के हिसाब से सारी चीज़ें लें। अब हम करेंगे इसे हम इस तरह से टाइटली फोल्ड करेंगे और इसका एक रोल बना लेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से इसी तरह से इसे रोल करते जाएंगे और इसका जो साइज़ है ना उसे लंबा करते जाएंगे। कहीं भी इसे प्रेस नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से रोल करना है। दूसरा ये कि हल्का पतला हो जाएगा और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक दूसरे में अच्छे से चिपक भी जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना लंबा मैंने यहाँ पे रोल बना लिया है। तो अब इसे कट करने का पार्ट आता है। तो सबसे पहले जो एजेस है उसे कट कर लेते हैं क्योंकि उसका इस्तेमाल हम नहीं करने वाले हैं। अब हम करेंगे कि इसे पतले पतले स्ट्रिप्स में कट करते हुए जाएंगे। तो आप चाहो तो इसे थोड़ा मोटा रख सकते हैं बट इससे ज़्यादा पतले आप ना रखें। मैं आपको एक उठा के दिखाती हूँ, आपको इसमें बिल्कुल इसमें लेयर्स नज़र आ रही होंगी बट अभी जो लेयर नज़र आ रही है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये जब फ्राई होगा तब आपको अच्छे खासे लेयर इसमें नज़र आएंगे। तो अब हम एक एक करके इन्हें ले लेंगे, हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे और पेलन से भी इसे हल्का सा चला लेंगे जैसे कि थोड़े से लंबे हो जाए, थोड़े से चपटे हो जाए और आपस में एक दूसरे से अच्छे से चिपक भी जाए। तो लगभग यहाँ पे 30 से 35 पीसेस बनके रेडी है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल को ऑलरेडी गर्म करने रखा था तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आटा डाल लेते हैं, तेल जो है हमें मीडियम हॉट चाहिए। देखिए ये तुरंत ही ऊपर नहीं आ रहा है यानी कि परफेक्ट टेम्परेचर है तो हमें इतना ही मीडियम हॉट तेल चाहिए। अब हम इन्हें एक एक करके तेल में छोड़ते जाएंगे। एक समय में आपके कढ़ाई या पैन में जितने आए आप उतने इसमें डाल सकते हैं। इनकी खासियत ये है कि तेल में जाते ही एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं और आसानी से फ्राई हो जाते हैं। जैसे जैसे फ्राई होते जाएंगे अंदर से आटा जो पकता जाएगा वैसे वैसे ये हल्का सा फूल भी जाएगा, साथ ही में इसकी जो परत है वो खुलती भी जाएगी। आंच को जो है हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, आंच को कहीं भी हमें धीमा या फिर तेज़ नहीं करना है। एक बैच फ्राई करने के लिए 5 से 6 मिनट लगते हैं। अगर आपने इसे लो फ्लेम पे तला तो होगा ये कि ये बहुत ज़्यादा तेल सोख लेगा और अगर आपने हाई फ्लेम पे इसे तला तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगा बट अंदर से कच्चा रहेगा। तो परफेक्ट उसका क्रिस्पीनेस आए और परफेक्ट ये बने इसलिए आंच को जो है हम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे जिससे कि इवनली कलर आ जाए। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट कलर भी आ चुका है और ये चम्मच को क्रिस्पी भी लग रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी परत भी अच्छे से खुल गई है। तो अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी बचा हुआ जो बैच है उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। आप सभी की लेयर देख सकते हैं कितने अच्छे से खुले हुए हैं। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये एकदम खाने में खस्ता है। आप इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं मीठा बनाने वाली हूँ तो इसे हम चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी में एक एक करके इसे डालते जाएंगे और अच्छे से कोट कर लेंगे।
मेक श्योर कि आपकी जो चाशनी है वो हल्की वार्म रहे। अगर चाशनी आपकी ठंडी हो गई है तो आप उसे हल्का गर्म करके लें। चाशनी का हल्का गर्म होना ज़रूरी है, तभी जो इसके अंदर का जो सिरप है वो यहाँ पे वो अच्छे से सोख लेगा और अंदर तक इसका मीठापन चला जाएगा। तो एक एक करके इन्हें अच्छे से कोट करते जाएंगे और इन्हें डिश आउट करेंगे। तो देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार शंकरपाली बन के रेडी है। तो इस दिवाली आप इस नए तरीके की शंकरपाली को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।